जितना समा बाकी है सत्संग जीओ आ विचार करिए पूरन महापुरुष जिस वेले मिलते हैं तो जीवन किवें बदलता। पहला शब्द फिर नाल इतिहासक कुछ विचार। माड़ा मिले ते जे मन कमजोर है ते माड़े पासे लग जाने, चंगा मिले ते जीवन सौर जांदा। ते जिस वेले बंदगी वाले महापुरुषां दा गुरमुखां दा भगतां दा मेल होंदा है ते जीवन कित्थों तक जा पहुंचदा है, आओ विचार करिए। ना कछ आए बो ना कछ जाए बो राम की दुहाई। ना कछ आए बो ना कछ जाए बो राम की दुहाई। राम की जाए वो राम की दुहाई। ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई। कायो दे दीप नहीं बेदा कायो तूप दीप नहीं बेदा कायो पूजो पति कायो पूजो पति राम की दुहाई। राम की दुहाई। ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई। ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की नवनिध पाई राम की दुहाई। राम की दुहाई। ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई। जपो जी ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो ब्रह्मंडे
सोई पिंडे जो को जैसो पावे जाएबो राम की दुहाई ना कछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई राम की दुहाई राम की दुहाई ना कछ आएबो जाएबो राम की दुहाई ना कछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई। ये शब्द भगत पीपा जी का उच्चारण किया हुआ इत्थे एक नाल दास बेनती कर देवे जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का गुरगद्दी गुरपुरब सारे संसार विच मनाण दियां तैयारियां हो रही हैं। इस संसार ते बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, सारे पूजन योग हैं, पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की महानता हिंदुस्तान दे विच चार वर्ण मन्ने गए हैं, खत्री ब्राह्मण शूद ते वैश। ब्राह्मणा नू सब तो उपर रख्या गया, उन्ना तो थले छत्री, उन्ना तो थले वैश, उन्ना तो थले शूदर जिन्हां नू आपां शेड्यूल कास्ट कहने। मन्नू ने सिमरतियां बनाईया, उसे ने ये वर्ण वंडती। इस पास आपां बहुता नहीं जाना क्योंकि साडा प्रसंग होर है। कहण दा भाव कि चार वर्ण बना दिते गए और चारों वर्ण दे लोग एक बराबर नहीं बह सकते सन। ब्राह्मणा दा थां उपर, उन्ना तो नीवा क्षत्रियां दा तो, उन्ना तो नीवा वैश, ते सब तो थले शूदर। हुण कमाल दी गल ये है कि चारे ही वर्णा विच भगत होए ने, क्योंकि परमात्मा ने वर्ण नहीं बनाए। आखो सतनाम से उस वाहिगुरु ने, उस हरि ने जातां पातां नहीं बनाईया, ये इंसान ने बनाए ने। अगर सचमुच ब्राह्मण ही वाहेगुरु नूं पसंद होंदे ते सारे भगत ब्राह्मणा विच ही होंदे। आखो सतनाम श्री वाहे। उस वाहेगुरु ने अपनी खुशबू हर थां खलेरी हुई है, सारिआं विच खलेरी। चार वर्ण बना दिते गए ते चारों वर्णा विच भगत होए ने। और ये भी कमाल की गल है कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच चार वर्ण दे भगतां दी बाणी दर्ज है। स्वामी रामानंद जात दे ब्राह्मण, भगत बेणी भी ब्राह्मण, उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। छत्रियां विच भगत पीपा जी होए, उन्हां दी बाणी भी दर्ज है। वैशां विच भगत त्रिलोचन जी, आखो सतनाम श्री, महाराष्ट्र च पैदा होए, उन्हां दी भी बाणी दर्ज है। शूदरां विच भगत नामदेव जी,
भगत रविदास जी महाराज, भगत कबीर इन शूदरां विच गिणे गए। चार वर्णा दे भगतां दी बाणी इको जगह, आखो सतनाम श्री वाह। और मुसलमानां विच बाबा फरीद जी, ये जिहड़ा शब्द आप जी सरवण कर रहे हो, ये भगत पीपा जी का उच्चारण किया होया। जिहड़े कि छत्री सन, कौन सन भगत पीपा जी, और इतों तक किवें पहुंचे कि बाणी उचारण लग पाए, और होर किन्नी वड्डी पदवी मिली कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भगत पीपे नूं अपने गल दे नाल लगाया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिथे गुरु नानक की बाणी, उत्थे भगत पीपा जी की बाणी भी दर्ज की थी। आओ एक बारी इन्हां पंक्तियां नूं सारे रल के पढ़िए। ना को जानदा है, ना कोई जानदा है, ये ते मन दी कल्पना है। जिन्हां ने जान लिया, आवण जाण एक खेल बनाया, आग्याकारी किन्नी माया, वो कदी मौत ते रोंदे नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ना कछ आइबो, ना कछ जाइबो, राम की दुहाई जपो। सत्संग जीओ, जिथे मंत तारा सिंह जी ने जपाया, हुण संत बाबा प्रतपाल सिंह जी भी जपा रहे हैं, ते फिर आप आए भी जपण वास्ते। जपो फिर, आखो सतनाम सिर, करो कृपा, खुल के जपो। ना कच आए बो, ना कच जाए बो, राम की दुहाई। ना कच आए बो, ना कच जाए बो, राम की दुहाई। राम की दुहाई, कछ जाए वो, राम की दुहाई। ना कछ आए वो, ना कछ जाए वो, राम की दुहाई। भगत पीपा गगनौर दे राजे सन, पर धर्मी राजे सन, नेक सन, पर संत सेवी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जद भी राजे पीपे नूं पता लगना मेरी नगरी विच कोई संतां दी मंडली आई है, तां संतां नूं अपने महलां विच बुलाना, प्रशादे पानी नाल सेवा करनी, ते नाल कीर्तन सुनना। आखो सतनाम श्री ਇਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਰ, ਕੋਈ ਛੇ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। महापुरशां दी संगत करदे रहे, कोई थोड़ा तुरिया, कोई बहुता तुरिया, भाव किसे दी बंदगी थोड़ी, किसे दी बहुती। पर अज पूर्ण महापुरश मिल गए। राजे पीपे ने सेवा कीती, कीर्तन सुनिया, कथा सुनी, ते महापुरश कहन लगे, राजन तेरे विच सेवा भावना बहुत है, पर तेरा गुरु कौन है? राजा पीपा कहन लगे, मेरा गुरु कोई नहीं, मैं देवी दा पुजारी हां। ते महापुरश कहन लगे, राजन देवी तुहाडे मन दी इच्छा पूरी कर सकदी है, पर गुरु नहीं हो सकदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। देवी नूं माता कह सकदे हो, देवी देवी है, पर गुरु नहीं। ਕਿ ਰਾਜਨ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ,
अगर इतना दसिया तो फिर ये भी दस दियो गुरु किनू धारा, क्योंकि गुरु भी पूरा चाहिए। ते महापुरश कहन लगे, राजन इस समय स्वामी रामानंद जेडे बनारस विच रहिंदे हन, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हन, उन्हां नूं गुरु धारण कर लै। इत्थे आप जी नूं अरदास बेनती करदे, स्वामी रामानंद जी का शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज है, प्रमाण भगत हन और ब्राह्मण हन। आखो सतनाम श्री वाहे। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित ना चले मन पायो पंग। ये शब्द है स्वामी रामानंद। महापुरशा ने कहा स्वामी रामानंद नु गुरु धारण कर। महापुरश विद्या होए सात संगत, चंगे महापुरशां दा संग होया, ते महापुरशां ने गुरु दा राह दस दिता। आखो सतनाम श्री वाहे। मन तारा सिंह जी का मेल होया, राह दसिया ना गुरु ग्रंथ साहब दा। आखो सतनाम श्री वाहे। ओहो ही राह बाबा प्रतपाल सिंह जी दस रहे ने, ते जुड़े बैठे हो गुरु को। महापुरशां दा काम ही होंदा, महापुरशां ने राह दस दिता, स्वामी रामानंद नु गुरु धारण करो। राजा सी, हाथी घोड़े रथ फौज नाल, राणिया नाल, दरबारी नाल, शाही ठाठ बाट, ते राजा पीपा बनारस जा पहुंचे। स्वामी रामानंद जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सन, अंतरयामी भी सन। स्वामी जी नु पता लग गया राजा आ रहा। स्वामी रामानंद ने सेवक नु दरवाजे दे बाहर खड़ा कर दिता, ते क्या जिस वेले राजा आवे साड़ी आज्ञा बगैर अंदर ना आन दे। आखो सतनाम से। शाही ठाठ बाठ राजा आ पहुंचया। राजा पीपा सेवादार नु कहन लगा, स्वामी जी नु कहो राजा आया। आखो सतनाम से। राजा आया दर्शन चाहता। सेवक ने स्वामी रामानंद नु जा बेनती की, स्वामी जी गगनौर दा राजा पीपा आया, शाही ठाठ बाट है, हाथी घोड़े फौजा राणिया रथ। स्वामी जी सोने चांदी नाल लदे हुए ने सारे, दर्शन चाहता। ते स्वामी रामानंद सेवक नु कहन लगे, अच्छा जा फिर राजे नु कहो तू राजा असी फकीर। भई राजियां दा राजियां नाल मेल होंदा, फकीरां नाल नहीं। आखो सतनाम श्री वाहे। जे राजा है किसे राजे कोल जावे, फकीर होंदा तां फकीरां कोल आ जांदा। कहो भई तेरा साडा कोई मेल नहीं। आखो सतनाम श्री वाहे। दर्शन नहीं हो सकते। सेवक आया कहन लगा, राजन स्वामी जी कहंदे ने तू राजा असी फकीर, तेरा साडा की मेल। भई तू राजा किसे राजे कोल जा, फकीरां कोल की लेना है। दर्शन नहीं हो सकते। जिस वेले कहा तू राजा, स्वामी जी कहंदे नहीं असी फकीर, तेरा साडा की मेल, दर्शन नहीं हो सकते। पर सासंग राजे पीपे दे मन विच सच्चा प्यार सी, वो गुरु चंदा सी। राजे ने उस वेले हाथी घोड़े दान कर दिते, रथ भी दान कर दिते, दरबारी फौज वापस भेज दीती, राणियां भी भेज दीतियां। पर एक राणी जिदा नां सी सीता, राजे दी राणी सीता, कहंदी पति देव जिथे तुसी उथे मैं। राजे ने अपने जो गहने पाए सन सोने दे कड़े, वह भी दान कर दिते, रेशमी बस्तर भी ला दिते हन, फकीरां वाली एक कफनी पा ली,
पैर भी नंगे हैं। ते राणी जड़ी सी उन्हें भी रेशमी बस्तर बदल देते, सादे कपड़े पाले। ते हुण राजा पीपा हाथ जोड़ के सेवक नूं कहिंदा है, भाई जा स्वामी जी नूं बेनती कर, हुण कोई राजा नहीं आया, केवल एक पीपा है, वह भी एक कंगाल है, जा बेनती कर, कोई फकीर आया, आखो सतनाम श्री, कोई कंगाल आया है, दर्शन चाहता। सेवक बड़ा हैरानी नाल राजे नूं तकदा है, ते राजा कहिंदा है, भाई एक गल स्वामी जी नूं होर कह दें, मैं राज भी छड्डिया, आखो सतनाम श्री, राज भाग भी छड्डिया, केवल दर्शन चाहिए। सेवक आया, स्वामी रामानंद नूं कहन लगा, स्वामी जी राजे ने ते सारा कुछ दान कर दिता, कहिंदा मैं राज भाग भी छड्डिया, केवल दिखावे दा त्याग नहीं, दिलों त्याग, सब कुछ छड़ दिता। एक गल याद आई, त्याग तो कोई महापुरश सन, त्यागी सन, बनाया बड़ा कुछ, कोई बेचारा फिरदा फरंदा चला गया, कहिंदा बाबा जी रात कटनी, कहन लगे आ पई रह, बड़ा कुछ दिखाया, बड़ा कुछ बनाया होया सी, ते महापुरश कहन लगे, भाई सवेरे प्रेमिया दे घर प्रशादा है, तू भी साडे नाल चल। कहिंदा जी तुसी एडे वड्डे महापुरश, मैं एक गरीब जिहा बंदा, मेरे कोल कपड़े भी कोई नहीं। ते महापुरश कहन लगे, भाई इन्ने संदूक पए ने, कोई भी कपड़ा कढ के पा लै। हुण संदूक फोलिया ते किसे राजे ने बड़ी सुंदर पोशाक भेट कीती सी, चंगी लगी, पा लई, महापुरशां नाल तुर पिया। कई वारी लोकी भी पहरावा देखते ने, गुण नहीं देखते, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिस वेले प्रेमिया दे घर गए, हुण महापुरशां दे नाल जिहड़ा बंदा आया सी उहने पोशाक बड़ी वधिया पाई, ते घरदिआं ने समझिआ कि महापुरशां तों कोई वड्डा संत होवेगा, आखो सतनाम श्री। तुसी सारे जाणदे हो, असी वी इत्थे आंदे रहे हां, जिस वेले महंत तारा सिंह जी शरीर रूप च साडे कोल सन, जे उन्हां दा चोला देख लो, उन्हां दे गल दा परना देख लो, सिर ते दस्तार देख लो, पैरां च खड़ावां देख लो, ते नवा बंदा आके कोई कहेगा ही नहीं कि संत हो सकदे ने, आखो सतनाम श्री। कोई लिशक पुशक नहीं, हाँ आत्मा लिशकी हुई सी, आखो सतनाम श्री, आत्मा लिखी हुई सी। इउं ही बैठे होना बार कुर्सी ते, सेवकां कोलों बाणी सुणदे होना, असी आना बाबा जी दे ਕੋਲੋਂ ਅਸ਼ੀਸ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾਪਨ ਸੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਬਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਪਕੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਪਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਕਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਜਵਾਨ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਤਰੇਗਾ ਹੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੋਲਾਪਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੋਲਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ
राजे ने सब कुछ दान कर देता, पैर भी नंगे हैं, आखो सतनाम श्री वाह, फकीरां वाली कपड़ी पा ली है, दर्शन चाहता है, ते कहंदा मैं राज भी छड़िया, ये मनो त्याग है। ते जिहड़ी होर आपां विच कथा कर रहे हैं छोटी जी, एक त्यागो जो महंत तारा सिंह जी सन, जो प्रितपाल सिंह जी हैं बाबा जी, एक त्याग है जो नजर आता है। बड़ी पुरानी गल, बैठे एक दिन क्या बाबा जी भी हम भी बड़ी जगह आप जी आना जाना पैंदा है, भी अंबेसडर पुरानी को गड्डी नवी ले लो, आखो सतनाम श्री वाह। तो महंत तारा सिंह जी बैठे उत्त कमरे च साढ़े कोल, आप दर्शन करने वास्ते आए थी बाबा जी के, इन्ना भोलापन कहते, अच्छा फिर नवी गड्डी किन्ने दी आंदी होएगी। एक मखौल करके कहना होंदा किसे नूं, एक भोलापन, अच्छा किन्ने क दी आंदी होएगी, चलो साढ़े वास्ते इहो ही ठीक है, आखो सतनाम सी। एक संसार विच रहिंदे होया, सब कुछ होंदिया होया, इतना भोलापन सासन, त्याग दी मूर्ति, कदी कुछ अपने ते नहीं वरतिया, जो मिलिया सेवा ते लाया। तो विच गल याद आ गई कि ये भी महापुरशां नूं कुछ ऐसे भी होंदे हन। सेवकां दे घर गए, सेवकां ने समझिया महापुरशां नाल ये जिहड़ा आया है, जिन्हें बड़ा कीमती चोला पाया है, ये लगता महापुरशां दा गुरु होवेगा, उहदे दुआले ज्यादा हो गए, तो असली महापुरशां नूं पुछण ही ना, आखो सतनाम श्री वाह। तो जिस वेले देखिया लैके मैं आया, तो मैनू छड़ के इहदी सेवा करी जांदे ने, रहा ना गया। कहन लगा ये बंदा कल आया सी मेरे कोल, इहदे कोल कपड़ा कोई नहीं सी, ये चोला मैं ही देता, आखो सतनाम श्री वाह। हुण उह विचारा शर्मिंदा जिहा हो गया, घरों बाहर निकले कहिंदे बाबा जी चंगा चोला पोया तुसीं, इह तां वापस ही लै लो, आखो सतनाम श्री वाह। भाई त्याग ये नहीं होंदा कि मैं सारा कुछ त्यागया है, त्याग ये होंदा दिलों जड़ा त्याग हो, त्याग वो होंदा है, तुसीं कुछ नहीं त्यागया, सब कुछ पकड़िया होया, आखो सतनाम श्री वाह। तुसीं माड़ी जी मेरी वड्याई ते बर्दाश्त नहीं कर सके, ते त्यागया की। जिस वेले सेवक ने कहा स्वामी जी, राजा कहिंदा मैं दिलों राज भाग भी त्यागया, दर्शन दिओ, ते स्वामी रामानंद कुछ होर देखना चाहते सन। कहन लगे राजे नूं कहो, जे जल्दी दर्शन करना चाहता है ना, ते शहर दे बाहर एक खूह है, उहदे विच छाल मार देवे, जे बहुत जल्दी दर्शन चाहिए। सेवक आया, कहन लगा राजन स्वामी जी कहंदे ने जे बहुत जल्दी गुरु नूं मिलना है ना, ते खूह दे विच छाल मार। राजा दौड़ पिया, आखो सतनाम श्री वाह। खूह वल दौड़ पिया, पिछे पिछे राणी भी दौड़ पई, ते स्वामी जी जान गए राजे दा प्यार सच्चा है। अपनी आत्मक शक्ति नाल राजे दीआं लत्तां दा बल खिच लिया, राजा दौड़दा ते है पर पैर जिवें पिछे नूं पैंदा, पिछे सेवक दौड़ाए, जाओ राजे नूं ले आओ। राजा खूह कोल पहुंचिया, लगा छाल मारन, सेवका ने बांह फड़ ली, राजन प्रीख्या विच पास हो गया है, तेनों स्वामी जी ने याद किया। राजे नूं लैके सेवक आए हैं, ते जिस वेले स्वामी रामानंद आश्रम विच दाखिल होए, स्वामी जी नूं तकिया, राजे दी अखां भरियां होईयां हन, क्योंकि गुरु दा मिलाप है। गुरु दा मिलाप है, चरणा ते मथा टेकिया, ते स्वामी रामानंद ने उस वेले राजे नूं गुरु दिखिया दे के अपना चेला बनाया, ते नाल कहा राजन तेनों राज छड़न दी लोड़ नहीं, क्योंकि धर्मी राजियां दी लोकां नूं लोड़ है, जा जा के राज भी कर, ते प्रभु दा सिमरन भी कर। गुरु दी आग्या लै के वापस आए, राज फिर शुरू कीता, पर हुण हालत ये है, एक वारी सारे जपो
राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। राज विच मन नहीं लगता, हुण राज पाग छड़ दिता। राणी सीता भी नाल है, फकीरां वाली कपनी फिर पा ली, ते हुण लोकां नूं रब नाल जोड़न वास्ते तुर पए आ, ते करदिआं करदिआं इत्थों तक जा पहुंचे। भगत पीपा ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ते किसे ने पुछया, भगत जी पहला देवी देवतियां दी पूजा करिया करदे सी तुसी जदों राजे सी, हुण कदी फुल चढ़ांदे नहीं देखिया, कदी धूप दुखांदे नहीं देखिया। ते उस वेले भगत जी ने शब्द उचारिया, कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती, काया बहु खंड खोजते, नवनिध पाई, ना कछ आएबो ना कछ जाएबो, राम की दोहाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पिंड कहंदे ने शरीर को, जो ब्रह्मांड विच देखदे हो ना संसार ते, वो साडे शरीर दे अंदर है। पर जो खोजे सो पावे, जिहड़ा लभदा उन्नू मिलदा। ए आपां बिल्डिंग देख रहे हैं, लोया भी लगा, लकड़ भी है, बिजली दे पखे ने कई कुछ है। ये सारा कुछ आकाश तो नहीं डिगा, ये धरती विचों पैदा होया। आखो सतनाम सी। ये जो कपड़े पा के असी बैठे हाँ, जो खाने हाँ, गड्डिया ने, जहाज ने, फुल ने, पौन पानी जो भी है, सारा कुछ देख रहे हैं। ये कोई बंदा नाल लैके पैदा नहीं होंदा। आखो सतनाम सी। जहाजां दी काढ़ निकली, रॉकेट बने, कोई कुछ बनया, कितने बनया, ये सब कुछ इंसान के अंदर है। आखो सतनाम श्री। साइंसदान कौन ने? खोज करते ने। जो उन्होंने दिमाग में वाहेगुरु ने भरिया है ना, वो धरती में लभदे ने। आखो सतनाम श्री। जिवें चित्रकार कोई फोटो बनाने लगता है, पहला खाका वो दिमाग च तैयार होता है, फिर वो कागज रख के वे बनाना शुरू करता है। आखो सतनाम श्री। साढ़े अंदर बहुत कुछ है, पर साढ़े को समा नहीं कि शरीर बारे सोच सकिए। सोच सारी दिमाग च होंदी है, वो सोच जिस वेले बाहर निकलती है ना, फिर नवीं नवीं खोजा होंदिया ने। आखो सतनाम श्री। तो भगत जी कहते ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, वाहेगुरु भी अंदर है। आखो सतनाम श्री। पीपा प्रणवै परम तत् है। पीपा जी ये कहंदे ने केड़ी गल, सतगुर होए लखावे। जिस वेले पूरा गुरु मिलता है, फिर इन्हां गल्लां दा पता लगता है। सानू ते गुरु मिले, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ये शब्द उचारिया, गुरु अर्जन देव जी महाराज नू पता लगा, ते भगत पीपे नू अपनी गलवकड़ी विच लिया भाव। उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज कीती कि आ राजन, तू ब्रह्म ज्ञानी ते हो गया, वाहेगुरु नू मिल गया, पर तेनू वह माण नहीं मिलिया कि कोई हर वेले तेनू मत्था टेके। आ गुरु नानक दे घर, गुरु नानक दा वेड़ा बड़ा वड्डा है। ते भगत पीपे दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज कीती, सारे वर्ल्ड विच गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश ने। एक सेकंड ऐसा नहीं होता जिस वेले कोई गुरु ग्रंथ साहिब नू मत्था ना टेके, उस वेले इन्हां भगतां नू भी मत्था टेकिया जांदा। आखो सतनाम श्री। क्यों? क्योंकि ये नाम दे व्यापारी ने, ते जिहड़े नाम दे व्यापारी ने, क्यों ही संसार उन्हां दी शोभा करदा है। आओ सत्संग समां बीतिया नहीं सफल हो गया है। ये गल याद रखना, ये शरीरां दे नहीं रूहां दे सौदे हैं। अगर थोड़ा जा भी मन जुड़िया है, तो असीं भी भगत पीपे दे नाल सी सारे। आखो सतनाम श्री। इतिहास रूप विच आओ शब्द की आखिरी पंक्ति पढ़ के फिर करिए समाप्ति।
आप संगतां ने बेअंत माया शब्द पेट अरदास कराई है। आप सारिया संगतां जानते हो कि चंडीगढ़ जो दास अकैडमी चला रहे हैं श्री गुरु रामदास जी फ्री गुरमत संगीत अकैडमी, जिते बिल्कुल मुफ्त गुरमत कीर्तन की सिखलाई दी जाती है। गरीब कलोनिया च मैडिकल कैंप लाए जाते हैं, मुफ्त दवाइया दिखाई जाती ने। अते हर साल अक्तूबर के महीने 25 गरीब लड़कियां दे विआह किए जाते हैं। एक एक लड़की को 70-70 हज़ार रुपए का जरूरत का समान दे के विद्या करीदा है, ता जो वो लोड़वंद गरीब बच्चियां अपना गृहस्थी जीवन सुखी शुरू कर सकन। पिछले साल जो अक्तूबर का महीना लंघिया है 31 विआह किए सन, 13 विआह उन्हां गरीब किसानों दीआं कुड़ियां दे कीते सन जिन्हां किसानों ने खुदकुशियां कर लईआं सन जो गरीबी कारण कर्जा ना चुका सके। संगरूर जिले विच जाके और सत्संग जीओ, ये सारे कार्ज आप संगतां दी दित्ती होई माया नाल चलदे ने। असी कुछ नहीं करदे, असी तो एक बहाना हाँ, हुंदा सब कुछ आप संगतां दे सहयोग नाल है। ये जितनी माया आप जी शब्द पेट दे रहे हो, आप दी दित्ती हुई ये सारी माया अकैडमी दे इन्हां धार्मिक कार्जां विच खर्च होनी है, क्योंकि आने वाले अक्तूबर के महीने फिर 25 जरूरतमंद बच्चियां दे विआह होने हन और 30-35 लाख रुपया खर्च होंदा इन्हां सारे समागमां ते। असी कोई अपील नहीं कर रहे, पर हाँ, सेवा जिहड़ा मर्जी को करना चाहे कर सकता है, क्योंकि ये भी प्रेरणा महापुरशां तो लई हुई है, क्योंकि जिहड़े राहां ते महापुरश चलदे हन, अगर महापुरशां दे दसे हुए राहां ते आपां जे ना चल सकीए फिर महापुरशां दे संग करन दा साथ करन दा कोई लाभ नहीं होंदा। आओ आखिरी पंक्ति पढ़ के फिर आपां समाप्ति करिए। ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई जपो जी। इतनी सेवा प्रवान करनी सच्चे पातशाह जिन्हां गुरमुखां प्यारिया मातावां बीबियां भैणां शब्द भेट अकैडमी दे धार्मिक कार्जां वास्ते माया भेट कीती। दाता सरबत नूं चढ़दी कला बख्शनी, घर परिवार सुखी वसन। सत्संग जीओ, दाता मेहर करे सरबत दे घर परिवार सुखी वसन, किरत कमाइया च बरकता होण दाता। सरबत नूं चढ़दी कला बख्शे, साडे वास्ते भी जरूर अरदास करना। सतगुर होर कीर्तन की दात बख्शे, देह रोगता बख्शे, तां जो इसे तरह आप संगतां की सेवा करदे रहिए।